आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर की बिछिया में बंद पड़ी फैक्ट्री में गौवंश के अवशेष पड़े मिलने से हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री में अवशेष मिलने व गौवंश की हत्या किए जाने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में अवशेष पड़ा देखा, जो एक माह पुराना बताया जा रहा है। मामले में स्थानीय लोगों ने गौवंश हत्या का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया है और गौवंश हत्या करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। जी, मेरा नाम राघवेंद्र द्विवेदी है। ये क्या मामला, क्या है गाय का? जी, ये क्या है कि बच्चे यहाँ मैदान है बगल में, वहाँ खेलते कूदते हैं। बच्चों ने मुझे बताया कि यहाँ जो ये अपनी फैक्ट्री है, मोम फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, यहाँ आए दिन गाय काटी जाती है। तो मैंने कहा कि तुम लोगों ने देखा? तो बच्चों ने बताया कि हाँ हमने देखा। तो मैं भी बोला कि चलो मैं भी देखता हूँ चल के। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ कटे हुए अवशेष पड़े हुए थे। तो मैंने फिर धीरू भाई को बुलाया और उनको अवगत कराया कि नहीं, पुलिस को हमने सूचना दी नहीं। इसके पहले बच्चों ने कई बार आवेदन थाने में दे चुका है, कोई कार्रवाई कुछ नहीं। तो अभी क्या आप क्या मन बना रहे हैं, आप क्या करेंगे आगे? अब देखिए, अब आप लोग अब उजागर करिए, हम भी जाएंगे थाने में, हम भी आवेदन देंगे, क्योंकि असामाजिक तत्वों का यहाँ डेरा लगा रहता है। परेशानी आप लोगों को है मोहल्ले के, आप लोग? जी जी जी। तो आज बनता है आप लोगों का आवेदन? जी, फिर जाएंगे, फिर आवेदन देंगे, क्या करेंगे? आवेदन के अलावा कर भी क्या सकते हैं? अंदर क्या देखा है आपने? अंदर मैंने देखा कि वहाँ गाय का सिर पड़ा हुआ है, पूंछ पड़ी हुई है, जो मोम फैक्ट्री का कड़ाहा है जिसमें मोम पिघलाई जाती थी, उसमें दो चार हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, थोड़े बहुत अवशेष पड़े हुए हैं। बस यही देखा मैंने, वही मैं धीरू भाई को बताया और उनको अवगत कराया। दरअसल बिछिया थाना क्षेत्र में स्थित जनानाबाद के समीप बंद पड़ी मोम फैक्ट्री में गाय के कुछ अवशेष मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। जानकारी होने पर बिछिया पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करने के बाद स्थानीय लोगों से जानकारी एकत्रित करने में जुट गई है। हालांकि गाय के जो अवशेष मिले हैं वह तकरीबन 1 से 1.5 माह पूर्व के बताए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी लगने पर कुछ गौ रक्षक भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस से मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनानाबाग के समीप ही लक्ष्मण बाग का गौशाला भी है, जहां गायों को रखने जाने की व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व गाय को लाकर यहां काटते हैं। हालांकि इस दौरान किसी ने भी ऐसे लोगों की शिनाख्त नहीं की है, लिहाजा पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच कर रही है। पेट पड़े हुए हैं गौवंश, क्या पूरा मामला है, क्या चाहिए अभी तक? जी हाँ, एक ये अभी सूचना मिली थी मेरे को अभी 15-20 मिनट पहले कि वहाँ पर जो है कोई 15-20 दिन पुराना जो है गाय का कोई वो है अवशेष पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर मैं यहाँ पर आया हूँ। देखा हूँ तो पुराना है और इस तरह आसपास गौशाला भी है, यहाँ से भी चीज़ें जो है गऊ और वो मरती रहती हैं यहाँ पर, और शिकायत भी रहती है कई बार। तो कोतवाली में भी उसको जो लोग थे ऐसी शिकायत थी, तो उनको रास्ता करके भेजा भी गया है। अगर कोई शिकायत मिलती है आसपास से तो हम उन पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ असामाजिक तत्वों का जमा बड़ा भी लगता है, बच्चे को डरा रहे हैं। देखिए, वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा यहाँ रोज़ गश्त होती है, यहाँ पर मैं निकलता हूँ, इस तरह की गतिविधि होती तो मेरे को सूचना ज़रूर मिलती, और यहाँ राउंड लगभग मुश्किल से 100 मीटर रहता है, यहाँ से मेरी रोज़ गाड़ी निकलती है इसी टाइम पर जो बता रहे हैं। अभी तक सूचना ऐसी नहीं मिली, अगर होता है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।